अरे भैया, जो भैया इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते थे वो लोग भी भैया स्टेटस लगाए हैं कि भैया अर्जेंटीना और फ्रांस में भैया मेसी लेजेंड है। वो सब भी भैया स्टेटस लगाए हैं और भैया ऐसे चीयर कर रहे हैं मेसी को कि क्या बताऊं। सर बताऊं भैया, गूंज बम्स और भैया गांड फाड़ मैच था। इतने बराबर की टक्कर हुई ना कि क्या बताऊं। पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ इस मैच पर थी। सच बता रहा हूं, पूरी की पूरी दुनिया देख रही थी कतर वर्ल्ड कप 2022। बाप रे बाप, क्या वर्ल्ड कप रहा। मैच 8:30 से 10:30 बजे तक खत्म हो जाता, लेकिन जो इक्वल स्टेट हुआ है ना, 3-3 और पेनल्टी में जो मारा है भैया, सच बता रहा हूँ कि भैया मेसी को गॉड मतलब लेजेंड क्यों कहा जाता है ये पता चल गया। अगर आप मुझसे पूछोगे रोनाल्डो वर्सेस मेसी की, तो सच बताऊं अब मेरा मेसी हो गया है। और मेन रीजन यह भी था कि लोग इसको क्यों देख रहे थे वो पता है क्या, क्योंकि यह वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप है उन लेजेंड प्लेयर्स का जिनकी वजह से यह फुटबॉल जाना जाता था। मेसी, रोनाल्डो और बाकी काफी प्लेयर्स हैं जिनका इस साल यह आखिरी वर्ल्ड कप था। भैया अर्जेंटीना ले गई तीसरी बार वर्ल्ड कप 36 साल बाद, वो भी माँ कसम बता रहा हूँ भैया, इतना शोर हुआ ना, यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह मोदी ने भी उस चीज को मेंशन किया था अपनी स्टोरी पे। पहले तो भैया जोश से भाई चिल्ला दिए, लेकिन भाई मेसी की पोजीशन देख के भाई अब इमोशनल हो गए कि भैया अब लेजेंड, जो कि 5 साल की उम्र में क्लब को ज्वाइन किए थे और 11 साल में ये पता चला कि उनको ग्रोथ हार्मोन की कमी है जिसकी वजह से अब उनकी उतनी हाइट नहीं बढ़ेगी। भैया छोटे लोग ही भैया गांड फाड़ सकते हैं सबकी। अब बताओ अगर इंडिया घुसती है ना वर्ल्ड कप में, तो कौन सा प्लेयर एकदम तगड़ा परफॉर्म करेगा। वैसे मैं जानता हूँ आपका आंसर क्या है सुनील सर, तब भी लेकिन गांड तो फाड़ेगी भैया इंडिया भी।